चंद्रपुर जिले में अब तक एक भी पॉजिटिव नहीं। जिले में 27,181 नागरिकों को होम क्वारंटाइन पूर्ण हुआ है। सीमावर्ती सैकड़ों गांव स्व संरक्षणार्थ सक्रिय हुए। प्रशासन ने समय समय पर जारी किए नियम और सूचना का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का इशारा प्रशासन ने दिया है। चंद्रपुर जिले में एक भी पॉजिटिव नहीं, फिर भी इस बीमारी से दूर रहने के लिए प्रशासन ने किए आह्वान को उत्तम प्रतिसाद चंद्रपुर जिले के सीमावर्ती गांव से मिल रहा है। तेलंगाना राज्य से सटकर स्थित सीमा पर यह दक्षता देखने को मिल रही है, तो नागपुर यवतमाल से आने वाले नागरिकों के बारे में कड़ी जांच की जा रही है। जिले में 27,181 नागरिकों का होम क्वारंटाइन पूर्ण हुआ है। बाहर गाँव से आने वाले प्रत्येक नागरिक की नोंद रखना शुरू किया है। जिले में होम क्वारंटाइन का प्रमाण बढ़ना, स्वास्थ्य जांच होना प्रतिबंधात्मक उपाय योजना के तौर पर सर्वोच्च ठहराए गए हैं, जिससे अन्य जिले में वास्तव में रहने वाले नागरिकों ने छिपकर यदि जिले में प्रवेश किया तो उसकी जानकारी प्रशासन की ओर पहुंचेगी, जांच अनिवार्य है। पर राज्य से पर जिले से आने वाले व्यक्ति ने इस संदर्भ में सूचना जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को देना अनिवार्य किया गया है। नियम का उल्लंघन करने वालों की ओर से 10,00,000 पर जुर्माना वसूल किया जाएगा। कुल 179 मामले में यह कार्रवाई की है, तो जिले में 687 वाहन जब्त किए गए हैं। नियम का पालन नहीं करने वाले 47 नागरिकों को हिरासत में लिया गया है, तो 687 वाहन जब्त किए गए हैं। जिले के सीमावर्ती इलाके में हाल में 595 ग्राम सेवक, 2,563 आंगनबाड़ी सेविका, 2,392 आंगनबाड़ी मदतनीस, 1,907 आशा वर्कर, 1,300 ग्राम कर्मचारी कार्यरत है। प्रशासन ने समय समय पर जारी किए नियम और सूचना का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध और भी सख्त कार्रवाई करने का इशारा जिला प्रशासन ने दिया है।